अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिज़ाइनर मीठी मठरी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में बड़ी टेस्टी लगती है और देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी है, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। एक महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जब ये मटरी आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी इसको देखकर खुश हो जाएंगे। इस मटरी को आप फेस्टिवल पर बनाएं या नाश्ते के लिए बनाएं, जब भी आपका दिल चाहे तभी बनाएं, बहुत आसानी से बन जाती है। फ्राई होते ही इसकी एक एक कली खिल जाती है। परफेक्ट नाप के साथ मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी, तो आपकी मटरी भी बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगी। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लेना है 3 कप मैदा। कप से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कप तो सभी के घरों में होते ही हैं। 3 कप हमने मैदा ले लिया है, तो अब हम इसमें 3 ही कप डालेंगे घी या रिफाइंड ऑयल। छोटे खाने के चम्मच भी सभी के घरों में होते हैं, तो छोटे चम्मच से ही हम डालेंगे। रिफाइंड डालने के बाद लिया है अब मैंने 1 कप पानी। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको डो लगाकर तैयार करेंगे टाइट। देखिए बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ही पानी हमें डालते जाना है और इसको गूंथते जाना है आटे की तरह से। देखते हैं 3 कप मैदे में हमारा कितना पानी लगता है। देखिए आप, 1 कप में से ये थोड़ा सा ही पानी बचा है और पानी हम नहीं डालेंगे। बस इसको ऑयल लगाकर ही हम अच्छे से चिकना करेंगे डो को। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। 10 मिनट तक हम इसको अच्छे से मसलेंगे। 10 मिनट तक अच्छे से मसलने के बाद अब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए ही। 10 मिनट बाद हम मटरी बनानी शुरू करेंगे। 10 मिनट बाद मटरी बनाने के लिए डो हमारा रेडी है, तो अब हम मटरी बनानी शुरू करते हैं। नींबू से कुछ बड़ी लोई तोड़कर इसको अच्छे से गोल शेप में करते हुए रोटी की तरह से हम इसको बेल लेंगे। बेलते टाइम ये चकले पर चिपकेगा भी नहीं क्योंकि डो हमारा काफ़ी टाइट है। अब देखिए, इतना बड़ा साइज करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। चारों ओर से पहले तो हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे। अब इस तरह से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से लाइनें बनाकर कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने सभी लाइनें बना ली हैं पूरी पर। चकले पर ये हल्का सा चिपका हुआ है, तो इसको इस तरह से पहले हम उठा देंगे आहिस्ता से, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। किनारों को हल्का हल्का सा दबा देंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। फिर इसकी कलियों को आधा आधा करने के बाद फिर इसको ऐसे राउंड शेप में घुमाते हुए 2 बार इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और बस किनारों को इस तरह से दबाते हुए इसको पत्ती की शेप दे देंगे। और बस डिज़ाइनर मटरी बनकर हमारी तैयार है। चलिए, मैं आपको अब दूसरी एक और मटरी बनाकर दिखा देती हूँ। पहले इसी तरह से लाइनें बना लें। लाइनें बनाना तो बहुत ही आसान है, और बस फिर इसी तरह से दूसरी भी मटरी बना लें। सारी ही इसी तरह से बनाकर रख लें। देखिए, लग रही है ना बड़ी खूबसूरत। और बस फ्राई होते ही इसकी एक एक कली खिल जाएगी। अब देखिए, पत्तियां तो हमने बनाकर सभी तैयार कर ली हैं। अब इन पत्तियों को मीठा करने के लिए पकाएंगे हम 1 तार की चाशनी। चाशनी पकाने के लिए यहाँ मैं लूँगी 1.5 कप चीनी। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसको पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ जर्दे का कलर, आपकी चॉइस है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब हमारा तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें एक एक पत्ती डालेंगे और फ्राई करेंगे। बस ध्यान रखना है, मीडियम लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे, तभी ये बहुत अच्छे से कुरकुरी बनेंगी। अगर आप तेज़ आंच पर इनको फ्राई करोगे तो बहुत जल्दी से इनका कलर बदल जाएगा और अंदर से कच्ची रह सकती हैं।
देखिए 5 ही मिनट हमें फ्राई करते हुए हुई हैं और इनका हल्का सा कलर बदलना शुरू हो चुका है। बस हल्के हल्के से ऐसे चलाते हुए फ्राई करें। 10-12 मिनट ही लगेंगी हमें इन्हें फ्राई करने में। और अब देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। बस इसी तरह से सारी पत्तियां फ्राई कर लें। अब इधर देखिए चाशनी भी हमारी पक चुकी है, देख लेते हैं एक तार बना है या नहीं। देख सकते हैं आप, एक तार बन रहा है ना। तो बस इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए। अब इस चाशनी में हम इन पत्तियों को मीठा कर लेंगे। बस पत्तियों को डालेंगे और एकदम से बस फौरन निकाल लेंगे। और बस पत्ती डिज़ाइनर मठरी हमारी बनकर तैयार है। आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट डब्बे में। आप इसको पिस्ता नारियल को ग्रेट करने के बाद गार्निश कर सकते हैं, फिर तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दुआओं में मुझे याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी और न्यू टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।